एक गुरु और दो शिष्य। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में एक बहुत ही महान गुरु रहा करते थे, जो कि ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। उस गुरु के दो शिष्य भी थे, जो उनके साथ ही गुरुकुल में रहते थे, वहाँ का सारा काम करते थे। वही दोनों गुरुकुल की देख रेख करते थे। अपने गुरु की तरह दोनों ही भगवान के भक्त थे और उनकी भक्ति करते थे। लेकिन उन दोनों में एक बात अलग थी, वे यह थी, उनमें से एक सकारात्मक सोच वाला था जो हमेशा खुश रहता था, और दूसरा नकारात्मक सोच वाला जो कि हमेशा दुखी रहता था। उन दोनों का गुरुकुल में काम एक समान था और दोनों को गुरुकुल में एक समान दर्जा भी मिलता था, लेकिन फिर भी उनमें से एक हमेशा खुश रहता था और दूसरा हमेशा दुखी रहता था। खुश रहने वाला शिष्य हमेशा किसी न किसी बात पर खुश होने के कारण ढूंढ लेता था, लेकिन वे दूसरा शिष्य हर बात से दुखी रहता और हर चीज में कमियां निकालता रहता था। उसके साथ जितना भी अच्छा चीज हो जाए, वे इसमें भी दुखी रहता था। एक दिन गुरु के मौत हो गई और वे स्वर्ग सिधार गए। अपने गुरु के जाने के बाद दोनों शिष्यों ने ही गुरुकुल को संभाला और उसकी देखरेख करने लगे, पर उन दोनों की भी एक दिन मौत हो गई। उन दोनों को उनके अच्छे कर्मों के कारण अपने गुरु के साथ स्वर्ग में रहने का मौका मिला और वे दोनों स्वर्ग में रहने लगे। लेकिन वहाँ भी वे खुश रहने वाला शिष्य खुश रहता था और दूसरा दुखी रहता था। फिर एक दिन उस दुखी रहने वाले शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, मुझे किसी भी चीज और काम में खुशी नहीं मिल रही। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सारी खुशियाँ और शांति मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरु ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि खुशी और दुख का तो हमारे मन की स्थिति है, उसका किसी वस्तु या जगह से कोई लेन देन नहीं है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हें नरक में भी खुशी मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है तो तुम्हें स्वर्ग में भी दुख ही मिलेगा। सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के देखने के नजरिए पर निर्भर करते हैं। शिष्य को अपने गुरु की बात समझ में आ गई। अब ये किसी भी चीज में कमी नहीं निकालता था और अब ये खुशी खुशी स्वर्ग में रह रहा था। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नकारात्मक सोच वाले इंसान को हर चीज में बुराई ही दिखती है और वे कभी भी किसी चीज से खुश नहीं हो सकता, लेकिन सकारात्मक सोच वाला इंसान बुरी से बुरी चीज में भी खुश होने का कारण ढूंढ लेता है। इसलिए हमें अपने देखने के नजरिए को बदलना चाहिए और हर चीज में बुराई देखने की जगह उसमें कुछ अच्छा देखना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए।